श्रीमती सत्यवती माता जी ने देह त्याग किया 8-9 दिन पहले, और उनके स्मरण में ये कथा हमने उनके चरणों में समर्पित की थी। माता जी का बड़ा योगदान रहा है इस संपूर्ण पुणे कांग्रीगेशन को संवारने में, उनको बड़ा करने में। वो सही में एक माता की तरह कई भक्तों को उन्होंने वास्तविक जन्म दिया है। हजारों लोगों का जीवन उन्होंने परिवर्तित किया। एक भक्त जो प्रचारक है, जो भक्ति का प्रचार करता है, उसके देदीप्यमान जीवन यात्रा का उदाहरण श्रीमती सत्यवती माता जी है। जीवन भर उन्होंने भगवान की सेवा की, अंतिम क्षण में भगवान ने उनके लिए पूरी व्यवस्था की। प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा, उनके शिष्य ने, कि प्रभुपाद अगर मृत्यु के समय इतना दर्द होता है तो इसकी क्या गारंटी कि हम भगवान का स्मरण कर पाए। तो प्रभुपाद कहे कि आप अगर गुरु के वचनों को पालन करके सही सही सेवा करोगे, खास करके प्रभुपाद ने कहा, इफ यू चैंट 16 रेगुलर गुड राउंड्स, आपको अगर भगवान का स्मरण नहीं भी होगा तो भी भगवान आपका स्मरण करेंगे। ये एक भक्त का गंतव्य है, और इसलिए ऐसे भक्तों के माध्यम से ही कृष्ण शक्ति प्रसारित और प्रचारित होती है। ऐसे भक्त वास्तविक बड़े अमूल्य होते हैं। लेकिन इस जगत का ये नियम है, भगवान स्वयं भी इस धरातल पर थे तो उन पर भी चोरी का आरोप हुआ है ना। भगवान अप्रकट होने के बाद उनके नामों का कीर्तन हो रहा है, बात अलग है। भगवान स्वयं भी जब इस धरातल पर थे तो उन्हें भी वनवास लेना पड़ा। तो ये इस जगत का नियम है। हम महात्माओं को पहचान नहीं पाते जब वो अपने शरीर में यहां पर होते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो माया के द्वारा भ्रष्ट होती है। इसलिए जब तक वैष्णव इस धरातल पर है, कोई भी छोटा हो बड़ा हो, उसका बड़ा आदर होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, उसकी अमूल्यता का अनुभव हमें होना चाहिए कि एक भक्त कितना अमूल्य होता है। यही भक्त समाज में सुचारू पद्धति से एक समन्वय स्थापित करेगा। भक्तों के बीच असूया नहीं होनी चाहिए कभी भी। अनसूय होकर सभी भक्तों का सम्मान करना जब हम सीखेंगे ना, तब जाकर श्री कृष्ण स्वयं हमारे सामने आकर हमको दर्शन देंगे, निश्चित रूप से। माता जी का जीवन एक बहुत ही, उनकी जीवन यात्रा बहुत विशेष थी। वो अचानक से हमें छोड़कर गई, अप्रकट हुई। भगवान निश्चित रूप से उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करेंगे, और अगर वो चाहे तो वे पुनश्च आकर लाखों लाखों जीवों को कृष्ण भावना का प्रकाश प्रदान करें। क्योंकि एक भक्त, एक प्रचारक के लिए खास करके यही सर्वोच्च स्थिति है कि वो प्रचार में कार्यरत रहकर अनेक अनेक जीवों का उद्धार करें। उसके मन में ये इच्छा कभी नहीं होती है कि मैं भगवत धाम जाकर अब आराम करूं, नहीं। उसके मन में सदैव ये इच्छा होती है कि मैं नित्य रूप से कृष्ण प्रचार में लगे रहूं। और जिस वेग को हमने दर्शन किया है माता जी के चरित्र में, जिस वेग से वो प्रचार करती थी, निश्चित रूप से उनकी यही इच्छा होगी कि वो पुनश्च आकर भगवत भक्ति का प्रचार करे और भगवान उन्हें सुयोग्य
गंतव्य अवश्य प्रदान करेंगे उनकी इच्छा के आधार पर। हम माता जी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन स्वयं के लिए उनके चरणों में अवश्य प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी अपना आशीर्वाद प्रदान करके इस शक्ति को, इस भक्ति को, इस प्रेरणा को आगे प्रचारित करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करें। श्रीमती सत्यवती माता जी की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे।